कल शाम को कुछ गलत चीजें यहाँ पर हुई, आज वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगले साल से ये फेस्टिवल बंद हो सकता है। पहली बार इनका लहरों से सामना होने वाला है, लहर इन्हें वापस धकेल कर बाहर लेकर आएगी और हमारे पैरों के नीचे आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जो अंडे लोग बेचकर पैसा कमा रहे थे, आज लोगों को यहाँ पर एकोमोडेशन देकर लोग पैसा कमाते हैं। नतीजे में गांव के लोग अंडे बिल्कुल ले चुराते हैं। एक ट्रिब्यूट देने के हिसाब से अपने कलाकारी लोगों ने ये चीज बनाई है। अभी आप सो गाइज, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा रहेगा तो आपको पता चला ही रहेगा, हम लोग डायरेक्टली आए हैं मुंबई से वेलास की तरफ, कोकण में, वेलास बीच पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है टर्टल फेस्टिवल, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने ही रहता है, जो कि फेब से लेके अप्रैल के बीच में। तो वैसे मुंबई से, पुणे से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए, जो कि यहाँ पे ही स्टे करते हैं वो लोग। यही गांव में होम स्टे वगैरह प्रोवाइड किया जाता है हर एक घर में। उनके कुछ चार्जेस रहते हैं 1100-1200 समथिंग पर पर्सन कुछ चार्जेस रहते हैं, जिसमें आपको फूड वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड रहती है। यहाँ पे आपको घरगुती फूड मिलेगा। तो हम लोग ने कल रात को यहाँ पे आके टेंट वगैरह लगाए थे, टेंट में हम लोग ने स्टे वगैरह किया। अब भाई साहब टाइम आता है मॉर्निंग में चल के टर्टल फेस्टिवल देखने का, क्योंकि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना पड़ेगा टर्टल फेस्टिवल देखने के लिए। तो गाइज अभी फटफट फटफट अभी निकल रहे हैं अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कुछ 10-15 मिनट है चल के, तो हम लोग ने सोचा कि फटफट बाइक ही निकाले। तो हम लोग चल चल के निकल पड़े टर्टल फेस देखने वेलास बीच की तरफ। अभी तक अंधेरा ही है, अभी तक अंधेरा पूरा गया नहीं है, बट इतना तो पता चला क्योंकि कल ही पता चल गया था बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे। तो पता नहीं अभी ठीक से देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये था ही नहीं कि इतने लोग रहेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि बस बस भर भर के लोग आए यहाँ पे। और कल वो लोग ने स्टे किया यहाँ पे, और अभी जाके जो टर्टल फेस्टिवल है वो अभी देखेंगे वो लोग। जब भी आप वेलास बीच पे एंट्री करोगे तभी आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, तो वहाँ पे कैश कैरी करना भूलना मत, क्योंकि वहाँ पे जीपे वगैरह कुछ चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं। बीच पे आने के बाद में वहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि वहाँ पे हैचिंग वाला सीन वहाँ पे कुछ है, मतलब बहुत सारे लोग जमा हो गए, अभी और लोग आ ही रहे, तो होपफुली अच्छे से देखने मिल पाए। मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि कभी कभी नसीब के ऊपर रहता है, कभी कभी हैचिंग के टाइम पे एक भी कछुआ नहीं मिलेगा और कभी कभी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो और ऐसा भी सुना कि कल कुछ शाम को था तभी 10-12 कुछ कछुए मिले थे। तो इस तरीके से रहता है टर्टल हैचिंग, जो कि चारों तरफ से नेट लगाया हुआ रहता है, और जो उसके अंदर आपको टोकरियाँ वगैरह दिख रही है उसके नीचे सैंड के अंदर टर्टल के एग्स वगैरह रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टर्टल हैचिंग एग्जैक्टली क्या रहता है। तो क्या है ना, नवंबर से लेके जनवरी तक के टाइम पीरियड में जो फीमेल टर्टल रहती है वो अंडे देने के लिए बीच साइड पे आते हैं, जो कि बीच पे खड्डा वगैरह करके उसके अंदर अंडे वगैरह दे के फिर जाके वो खड्डे को फिर से सैंड से पैक करके वहाँ से फीमेल टर्टल चली जाती है। एक फीमेल टर्टल कुछ अराउंड 80 से 100 अंडे एक टाइम पे दे सकते हैं, बट वो अंडा देके वहाँ से चले जाने के बाद में वहाँ पे ध्यान रखने के लिए कोई नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है ना, पंछी वगैरह जो रहते हैं, जो न्यू बॉर्न टर्टल वगैरह आते हैं उनको लेके चले जाते हैं, या फिर कभी कभी क्रैब वगैरह भी रहते हैं वो भी उनको हार्म पहुँचाने के चांसेस वगैरह रहते हैं, क्योंकि वो न्यूली बॉर्न टर्टल रहते हैं। तो अब ये अंडों पर ध्यान देना और निकले हुए न्यू बॉर्न टर्टल को सेफली पानी तक पहुँचाना, ये जिम्मेदारी ये पूरे गाँव वालों ने ली है। इसी के लिए ये टर्टल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो फीमेल टर्टल जो अंडे देके जाती है वो अंडों का संवर्धन ये पूरे गांव वाले करते हैं। वही अंडे लेके ये लोग पूरा जो नेट वगैरह लगाया था उसके अंदर गड्ढा वगैरह करके उसके अंदर अंडे वगैरह डाल के सैंड उसके ऊपर डाल के उसके ऊपर टोकरी वगैरह रख देते, ताकि वो अंडों को कुछ हार्म ना पहुंच पाए और निकले हुए टर्टल सेफली पानी तक पहुंच पाए। आधी मराठी आणि नंतर हिंदी मध्ये तुम्हाला इंस्ट्रक्शन देतो। ज्या बास्केट ज्या टोपल्या इथे तुम्हाला ठेवलेल्या दिसतात त्या टोपल्या पहिल्यांदी तपासल्या जातील। त्याच्या खाली जे पिल्लू वाळून पूर्ण वर आला असेल त्याला आपण पाण्याच्या जवळ नेऊन ठेवणार आहोत। जो यहाँ पर बास्केट लगी है उस बास्केट के नीचे पहले देखा जाएगा जो भी हैचलिंग पूरा उस रेत से ऊपर आया होगा, उसी को बैरिकेड्स के पास लेकर जाएंगे, उसे नीचे रखा जाएगा। जब भी हैचलिंग वहां पर रखे जाएंगे ये श्योर कर लेना अपने मोबाइल और कैमरा के फ्लैश लाइट्स बंद रहेंगे, क्योंकि ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों में से कितने लोग इनके जन्मदिन पर इनके लिए तोहफा लेकर आए? शायद कोई नहीं लेकर आया। अब मैं जो रूल आपको बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करते हो
तो वही इनके लिए इनके जन्मदिन का गिफ्ट होगा। कल शाम को कुछ गलत चीजें यहाँ पर हुई, आज वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगले साल से ये फेस्टिवल बंद हो सकता है। आप लोगों ने देख लिया, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ये हैचलिंग्स अभी तक देखने हैं, तो हम उसकी वजह ना बने कि हमारी वजह से ये फेस्टिवल बंद हो गया। पहला रूल, फ्लैशलाइट बंद रखना है। वहां पर जो रस्सी लगाई गई है एज अ बैरिकेड, उस रस्सी को लांग कर उसे क्रॉस करके कोई भी अंदर नहीं आएगा। एक बार हैचलिंग पानी में चले गए तो आगे 15 मिनट तक किसी को भी पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं, क्योंकि ये पहला वक्त होता है ये अपने जिंदगी में लहरों का सामना करते हैं, वो लहर वापस उन्हें जमीन पर लेकर आती है। ऐसे वक्त अगर हम पानी के पास है वो हमारे पैर के नीचे आ सकते हैं, यानी जन्मदिन के वक्त अगर हम उन्हें मारना चाहते हैं तो आप रूल ब्रेक करो और पानी के पास जाओ। हम 2 या 3 बार प्यार से समझाएंगे, बाद में हम ये नहीं कर सकते। वजह ये है, पिछले नवंबर से हम लोग पूरी रात जाग कर ही अंडे जमा करते हैं, अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो हमारा भी टेम्पर्ड वहां पर बहुत हाई हो जाता है। तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे ऐसे मैं समझ रहा हूं, और अब चेक करते हैं कि हैचलिंग्स है या नहीं। अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट इनकी ली है तो ही अभी यहाँ पर आएंगे, ठीक है, थैंक यू। तो ये टर्टल फेस्टिवल आपको फेब्रुवरी से लेके अप्रैल के बीच में आपको देखने मिल सकता है। तो एवरी डे मॉर्निंग बिटवीन 6 to 7 यहाँ पे ये टोकरियाँ उठा के देखते हैं कि न्यू बॉर्न टर्टल आए कि नहीं आए, और सिमिलर थिंग इवनिंग में 5:30 के बाद में ये सब चेकिंग वगैरह चलता है कि हैचिंग हो पाई या नहीं हो पाई। तर आपण आलेलो आहे आता इथे, तुम्ही बघू शकता। ओ दादा, वरती काय आहे? टर्टल आहे। आता चेकिंग सुरू आहे। फ्लॅश गाइज़, अभी सब लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कछुए मिल गए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अभी भीड़ हो चुकी है, बट वहाँ पे भी बैरिकेड वगैरह सब कुछ लगाए रहेंगे, तो होपफुली सब लोग फॉलो करेंगे जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा। चला 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 इकडे बघ, चला 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 बाप मारे तो चालू आहे। वहाँ से ना सब लोग भाग भाग के अभी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ही इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था। अभी वहाँ पे देखने मिलेगा टर्टल छोड़ते टाइम की नहीं, वो भी नहीं पता। इसके लिए कितनी सारी भीड़ जमा हो गई अभी वहाँ पे। मेरे पीछे भी आप देखिए, ये लोग अभी तक चल के आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग जमा है। बोलो भाई साहब, ये होता है टर्टल फेस्टिवल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे पक्का पता है आप लोगों में से कोई भी इनके लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आया। ये जो रूल बताऊंगा वो रूल फॉलो करना, इनके लिए इनका बर्थडे का गिफ्ट होगा। ये जो लाइन है बैरिकेड से, इसके आगे कोई भी नहीं आएगा। अपने मोबाइल और कैमरा के फ्लैशलाइट सब लोग बंद रखेंगे। एक बार ये बच्चे पानी में चले गए तो आगे 15 मिनट तक किसी को भी पानी में नहीं जाना है, क्योंकि पहली बार इनका लहरों से सामना होने वाला है। लहर इन्हें वापस धकेल कर बाहर लेकर आएगी और हमारे पैरों के नीचे आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, अगर आप लोग कोऑपरेट करते हैं तो मैं समझ लूंगा आप लोग बर्थडे का गिफ्ट उसे दे रहे हो। थैंक यू। कासवांची रेस चालली आहे।
ये न्यू बॉर्न टर्टल को इस मिट्टी में छोड़ने का मतलब क्या है? मतलब हम लोग डायरेक्टली पानी के अंदर भी उनको छोड़ सकते हैं, बट नहीं, इसके पीछे का भी एक रीज़न है, ताकि ये न्यू बॉर्न टर्टल को पता रहे कि वो किस मिट्टी में पैदा हुए हैं, उनको वो मिट्टी का एहसास हो। और इनमें से जो आज जो जो टर्टल बॉर्न हुए हैं, उनमें से जो भी फीमेल है, वो यही मिट्टी में आके कल जाके अंडे देने वाली है, तो उसी मिट्टी का एहसास उनको रहे, इसी के लिए वो लोग यहीं पे सैंड के अंदर उन लोग को छोड़ देते हैं, ताकि वो चल चल के धीरे धीरे कर करके पानी के अंदर चले जाए। तो गाइज, आज है कछुओं का बर्थडे, और वही दिन पे हम लोग वो लोग को दे रहे गिफ्ट, मतलब अपने साथ में इधर क्रिएटिव लोग हैं जो यहाँ पे सैंड पे कुछ एक चीज़ ऐसा बनाएंगे जो अब देखने लायक रहेगा भाई साहब। तो सर अभी हमको इन्फॉर्मेशन देंगे कि एग्जैक्टली कब से ये सब चल रहा है और क्या क्या चीज़ें आप लोग संभाल के सब ये सब चीज़ें करते हो, मतलब एक बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं वो कछुओं को, तो ये सब अगर आप बताएंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में तो अच्छा रहेगा। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का मंडनगढ़ तालुके का एक छोटा सा गांव है विलास, जिसे करीब 1.5-2 किलोमीटर का बीच है, और यहाँ पर सह्याद्री निसर्ग मित्र एक एनजीओ है जिसने इस कंजर्वेशन की एक्टिविटी को 2002 में शुरू किया था। उसके पहले कोकण के सारे कोस्ट लाइन पर गांव के लोगों को पता था कि यहाँ पर फीमेल आती है, अंडे देती है, लेकिन लोग यहाँ पर उसको चुरा कर खाते थे या बेचा करते थे। तो ऐसे लोगों को जी उसका ऑमलेट बनाकर खाया जाता था, लेकिन लोगों को पता था कि ये विष्णु का दूसरा अवतार यानी कुर्मा अवतार है, तो उसे घर के बाहर पीछे आंगन में चूल्हे पर उसको तैयार किया जाता था, ऑमलेट को खाकर नहाने के बाद ही घर में आना अलाउड होता था। ये लोगों को पता था, सालों से ये सिलसिला चलते आ रहा था। ऐसे लोगों को सह्याद्री निसर्ग मित्र ने कन्वर्ट कर दिया एक कंजर्वेशन की एक्टिविटी के लिए, और जिसमें सपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रत्नागिरी डिवीजन ने बहुत बड़ा किया, और सन 2002 से ये प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हुआ। 2006 में पहली बार टर्टल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया, ताकि गांव के लोगों को भी पता नहीं था कि नंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं, इन्हें बचाना क्यों ज़रूरी है, नेचर में इस कछुए का रोल क्या है। गांव के लोगों को जैसे पता नहीं है, तो शहर में रहने वाले लोगों को भी कुछ भी पता नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया, जो अंडे लोग बेचकर पैसा कमा रहे थे, आज लोगों को यहाँ पर एकोमोडेशन देकर लोग पैसा कमाते हैं। नतीजे में गांव के लोग अंडे बिल्कुल नहीं चुराते। आज हमारे पास टोटल 35 बीच रायगढ़ में ये काम चलता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रत्नागिरी में चल रहा है, और सिंधुदुर्ग में काफ़ी जगह पर जो टूरिज्म बढ़ चुका है, सैंड बाइक्स हम लोग देखते हैं, बीच पर जो एक्टिविटीज़ देखते हैं, उसकी वजह से उनका नेस्टिंग का एरिया पूरा ख़त्म होते जा रहा है। तो हम लोगों को, इंसान को कुछ ना कुछ तो सोचना है कि अगर हम नेचर को तैयार नहीं कर सकते तो ख़राब भी हमें नहीं करना चाहिए। यही वजह थी कि पिछले 2 साल हम लोगों ने लॉकडाउन में घर पे गुजारा, क्योंकि हम लोग नेचर से काफ़ी दूर आ चुके हैं। समुद्र में ऐसे समुद्री कछुओं के टोटल सिर्फ 7 स्पीशीज देखे जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 आते हैं, जिसमें से ये सबसे छोटी स्पीशीज़ है ऑलिव रिडले, जो यहाँ पर रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कोस्टल एरियाज़ में, दहानू पालघर में भी पहले आती थी, पिछले 10-15 साल से वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर वो नेस्टिंग करते हैं, करीब 45-55 दिन बाद वो अंडे इंक्यूबेट हो जाते हैं, उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं, और जब बच्चे पानी तक चले जाते हैं तो उन्हें सेफ पानी तक छोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है। समझिए, इंसान और प्रेडिटर को हम बाहर निकाल लें, और एक फीमेल आती है, अंडे देकर चली जाती है, इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होता है, बच्चे जब उस रेत से बाहर निकल कर पानी तक की दूरी तय करते हैं, तो ऐसे वक्त पर क्रैप्स उसे खाते हैं। दिन का वक्त अगर हो तो क्रैप के साथ साथ हवा में उड़ने वाले पंछी इन्हें खाते हैं, एक बार पानी में चले गए तो बड़ी मछलियाँ इन्हें खाती है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिशरमैन के बोट से टकराना, उनके पीठ को वहाँ उसकी वजह से क्रैक हो जाता है, फिशरमैन के नेट में अटकना, ऑयल स्पिल होता है, ऑयल स्पिल की वजह से ये पानी में तो ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ब्रीद ये करते हैं हवा में, सरफेस पर आते हैं, अपना सर बाहर निकालते हैं पानी से और ब्रीद करके चले जाते हैं, ऐसे वक्त वो ऑयल उनके नाक में चला जाता है, सफोकेशन की वजह से मरते हैं। और साथ ही साथ में पिछले कुछ साल से गवर्नमेंट हमें बता रही है कि प्लास्टिक हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स होते हैं, वाइट और ट्रांसपेरेंट, ये जब पानी में फ्लोट होते हैं ये जेलीफिश की तरह दिखाई देते हैं, और ये समुद्री कछुओं का सबसे फेवरेट फूड होता है, ये प्लास्टिक जेलीफिश समझकर खा लेते हैं, और यही सारी वजह है कि जब 1000 बच्चे छोड़े जाते हैं उसमें से एक पड़ा होता है। इंसान या कुछ जानवरों में हम पहले जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं इंसान के लिए, तो हमें पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, यहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड करता है कि पैदा कौन होगा, मेल होगा या फीमेल। जब टेम्परेचर कम होता है तो मेल पैदा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है फीमेल पैदा होता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे सुना कि जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं वही फीमेल यहीं पे आने वाली अंडे देने के लिए। जी, जो अभी हमने बच्चे छोड़े हैं यही एक वजह है कि उन्हें इस रेत में चलाया जाता है, ताकि उन्हें उनका घर पता चले। अभी जो रेंगते हुए बच्चे गए यहाँ की जियो मैग्नेटिक फील्ड उनके मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाती है। आगे 15-20 साल तक ये समुद्र में अपना सफर करेंगे, उसके बाद यानी 15-20 साल बाद उसमें से जो भी फीमेल होगी वो मैच्योर होती है, और वो इसी बीच पर या आसपास के बीच पर अंडे देने के लिए 15-20 साल बाद मैच्योर होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, बाकी जानवरों जैसे यही बीच पे आने वाले। हाँ, यही बीच या इसके आसपास जो है उसी बीच पर आएंगे। जी, इसलिए चलाना जरूरी।
नवंबर डिसंबर के टाइम पे वो नवंबर से मार्च इनका नेस्टिंग पीरियड, अभी भी इनका नेस्टिंग पीरियड चल रहा है, आज सुबह भी एक नेस्ट। अच्छा ओके। तो मतलब इन्होंने बोला था कि वो टाइम पे वहाँ पे जब ये हैचिंग चल रही थी तभी इन्होंने बोला था कि किसी ने गिफ्ट वगैरह लाया गया ये कछुओं के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे है, बर्थडे पे कोई गिफ्ट लेके आता है, तो आपने क्या चीज़ें लाई है उसके लिए? तर दादा आमचे क्रिएटिव माणसं तिकडे काहीतरी एक असं बनवतात, ते तुम्ही नक्की येऊन बघा तिकडे नक्की। ओके तर तुम्हाला ते नक्की आवडेल, आय थिंक इथे कोणी बनवलंय की नाही बनवलंय मला नाही माहिती, कोणी येस तर कोणी म्हणजे एक गिफ्ट म्हणून आमच्याकडून तर ते असेल, तर ते बघायला तुम्ही नक्की या। फाइनली जो चीज़ देखनी थी वो देख के भी हो गया, जो क्रिएटिविटी बताना था यहाँ पे आके वो भी चीज़ें हो गई यहाँ पे अभी। तो अभी ये व्लॉग को आई थिंक यहीं पे एंड करना चाहिए क्योंकि अलग अलग दो व्लॉग बन गए, कल का भी व्लॉग जरूर पसंद आया रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। ओके तो आई होप आप सबको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय YouTube चैनल गाइस, इट्स विद मुंबई का एंड एज ऑलवेज कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड Never forget to enjoy your life. Bye bye. Subscribe कर दिया, subscribe कर दिया। चलो भाई, चलो चलो चलो। EMI. और वही, उनमें से वही जो female क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, सब गलत हो रहा है।